Hi guys, good evening. Good to see you all. Welcome back. Welcome back to this general awareness quiz where I'm going to be asking questions on the pattern of MHCET SLAT mostly, but we'll do some questions on the CLAT pattern also. So hum log tino type ki questions karenge. Matlab sabhi exams ke liye sare questions important hai. So I'm just quickly waiting for people to join in with us and then we can start with this. Theek hai, fir hum log start kar sakte hain. So फटाफट सबको पहले ज्वाइन करने देते हैं इसमें. सो व्हाट टाइम डू यू गेट जनरली स्लीप, कितने बजे सोते हो आप लोग? इज इट नॉट अ स्लीपिंग टाइम फॉर मोस्ट ऑफ यू? 12 मतलब क्लास के बाद 10 बजे से जाते हो? 1-2 बजे सोते हो सर? Okay, I think सबका अलग अलग टाइम है and everybody has a different time frame. At 2 p.m. has become a norm ना आजकल. 1-2 बजे has become kind of norm. मेरे अच्छे बच्चे हैं जो 10-11 बजे सो जाते हैं. हाँ पढ़ते हैं रात को, अच्छी बात है बहुत. ये तो नींद नहीं आती जल्दी क्यों भाई, किससे बात करते हो? ठीक है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह तो उठा नहीं जाता. खैर तो सुबह तो कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है, आज का वैट, अरे यार मेरे ध्यान से निकल गया. मैं कल पक्का रिलीज करूंगा एक टॉपिक. ठीक है, आई विल रिलीज इट टुमारो फॉर श्योर before 5 p.m. This was one something on my agenda today. Mere dimag se nikal gaya. Okay, chalo bhai start karte hain. VAT is written ability test, slat mein hota hai ye. Theek hai, aa kal bhi yaad kara dena. Thanks, thoda easy ho jayega. Waise to yaad rehna chahiye. हाँ, मैं पहले मॉक एनालिसिस वाला पार्ट डिस्कस करूंगा कि बॉक्स वॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं ठीक से. सो विल डिस्कस दैट. फर्स्टली आई विल क्विकली ब्रीफ यू ओवर दिस दैट एन एकेडमी इज राइट नाउ रनिंग अ 40% ऑफ, इफेक्टिव 40% ऑफ, बिकॉज़ एक प्राइस हाइक होने वाला है उसके बेसिस पर 40%. और अभी जो प्रेजेंट प्राइसेस है उस पर देयर इज अ फ्लैट 20% ऑफ. तो 28 के बाद में जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे. तो इट्स बेटर टू टेक अ सब्सक्रिप्शन राइट नाउ. ठीक है, आप 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, दोनों पे आपको मालपानी कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, ये 21 फरवरी तक अवेलेबल है ये स्कीम, तो यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस. लॉ विस्तार है, एक रिसेंटली हमने बैच अभी शुरू करा है. ठीक है, आई विल बी टीचिंग स्टैटिक जीके इन दिस फ्रॉम टुमारो. मैं इसमें कल से स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को. ठीक है, फरवरी 16 से ये पर्टिकुलर बैच स्टार्ट होगा. राइट, अगेन मालपानी इज द कोड फॉर दिस, और इस कोड को यूज करके यू गेट अ 40%. ओके, तो यहां पर दिस इज दी यू कुड से लिस्ट ऑफ टॉपर्स. ठीक है, अकेडमी की टॉपर्स की लिस्ट है यहाँ पे. राइट, अकेडमी टॉपर्स की लिस्ट है वेर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन अकेडमी फॉर फ्रॉम क्लैट 2023 एंड दे हैव गॉन टू सम ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स. यू गाइस कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर ओनली प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स ऑफ एन अकेडमी. And these were the toppers. Sahil Gupta got an All India rank 2. Pratyush got an All India rank 37. And Komal got 96. These were the three toppers of an academy. And they were given handsome rewards. So, see, in mock test, what happens? Generally, for example, if you're writing a mock test, then there are 150 questions. Okay, so 150 questions, you have attempted 100. Like roughly, if you start, it's a little bit difficult to do. लेकिन चलो मानते हैं आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो उन 100 क्वेश्चन में से ये मान लो कि आपने 70 क्वेश्चन सही कर दिए और 30 क्वेश्चन गलत कर दिए. ठीक है, ये वाले वो क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं, ये वाले वो क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं, और 50 क्वेश्चन तो आपके अनअटेम्प्टेड ही हैं, है ना. ये तो मतलब आपने छुए भी नहीं, यू कुडंट रीच दीज क्वेश्चन. तो जो आपने 70 क्वेश्चन सही किए थे उसको आप फटाफट एनालाइज कर सकते हो. दैट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो तो सही हो गए ऑलरेडी.
बट उसको भी एनालाइज करना, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा तुक्का लग जाता है, तो हो सकता है कि हमारी जो रीजनिंग थी वो एग्जामिनर की रीजनिंग से अलग थी, तो इसलिए इसको भी एनालाइज करना. बट दिस डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इवन लाइक अपने 70-80 क्वेश्चन सही किए, दैट विल बैडली टेक हाफ एन आवर और मे बी 40 मिनट्स टू डू इट. अब आते हैं गलत वाले क्वेश्चंस, इनको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. जो गलत वाले क्वेश्चंस है ना उनमें आप, और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसके सेम डे मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, एनालाइज इट ऑन द वेरी सेम डे. ऐसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज आज मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 to 4 PM आज संडे को मॉक टेस्ट दिया, अब अगर मैं इसको एनालाइज करने बैठा ट्यूजडे को, तो मैं भूल ही जाऊंगा ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं उस आंसर को मार्क कर रहा था. तो इसलिए सेम डे पर हमको याद रहता है, राइट. तो फिर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर आप, आपकी जो रीजनिंग होगी ना आप उसको मैच कर सकते हो आंसर की रीजनिंग से, ठीक है. मैच इट विद द आंसर कीज रीजनिंग एंड व्हेन यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड कि आपने पैसेज में क्या मिस किया था, है ना. व्हाट डिड यू मिस इन द पैसेज, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. तो ये आपकी गलत और सही में आपको वो चल जाएगा, क्या कहते हैं, गलत और सही में आपको फर्क पता चल जाएगा इजिली. नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस, राइट. फिर ये 50 क्वेश्चन वो हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, दीज वर दोज क्वेश्चन जो कुडंट रीच, आप यहां पर पहुंच ही नहीं पाए, है ना. तो ये क्वेश्चंस को आप वापस से सॉल्व करके देखो, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन. जैसे मान लो कि एक बार आपके इसमें 35 सही हो गए और 15 गलत हो गए, इसमें भी मतलब इसको आपने अलग से टाइम लिया, ठीक है, तो उसमें 35 आपके क्वेश्चन सही हो गए और 15 आपके यू कुड से क्वेश्चन गलत हो गए, ओके. सो 35 सही क्वेश्चंस को फिर से ये 70 जैसे किए थे वैसे ही कर लेंगे, है ना. विल डू इट अगेन लाइक वी डिड द लास्ट टाइम, तो इजी है. और 15 को फिर उसी तरह से सेम, लेकिन आपको ये टैब रखना पड़ेगा कि आपको ये पता है कि आपको 2 घंटे में आपसे 100 ही क्वेश्चन हुए हैं, और मान लो फिर आगे के 50 क्वेश्चन करने में आपको 50 मिनट्स और लग गए, तो इसका मतलब आपका पेपर का खत्म करने का जो टाइम है दैट इज 2 hours 50 minutes, है ना. 2 hours 50 minutes. अब हमें ये देखना है कि इस 50 मिनट को धीरे धीरे कम कैसे करें. तो जो आइडियल स्ट्रेटेजी रहती है ना मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की, वो ऐसी रहती है कि मान लो आपका इस पर्टिकुलर एक आपने मॉक टेस्ट दिया जिसमें आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और मान लो कि आपके 30 सही हो गए और 20 गलत हो गए, ठीक है, रफली मान लेते हैं ऐसा, आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए. तो इन एवरी मॉक ट्राई टू अटेम्प्ट +2 क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस मॉक. आपने जितने प्रीवियस मॉक में किए थे उसके +2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. यू कांट यू कुड से एक्सपेक्ट कि आप लोग, आपने एक में 50 किए थे, अगले में आप 60 करोगे, फिर अगले में 70 करोगे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे. आप कोशिश कर लो, कर भी लोगे फिर गलत हो जाएंगे सारे. तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक सीढ़ी है, ठीक है, ये दिस इज अ यू कुड से स्टेयर, है ना. अभी आप सीढ़ी पे खड़े हो यहाँ पे, एन एस्पिरेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द प्रिपरेशन इज स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, एंड ये रहे एनएलयूज, राइट. अगर आप इस कदम पे पहले नहीं चढ़ोगे, फिर इस पे नहीं चढ़ोगे, फिर इस पे नहीं चढ़ोगे, फिर इस पे नहीं चढ़ोगे, सीधा यहां से चढ़ के आपको लगे मैं कूद के यहां तक पहुंच जाऊं, है ना, और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता रहूं, वो पॉसिबल नहीं है. जर्नी फ्रॉम हियर टू हियर इज द मोस्ट डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर क्लैट बिकॉज उनको ये बात समझ नहीं आती कि इट इज द प्रोसेस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अनलेस यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे. आपको अगर लगेगा कि मैं शॉर्टकट ढूंढ लूं, मैं 4 चीजें कम पढ़ लूं, है ना, मेरे को ऐसा, ये होता है हमारे स्टूडेंट एक तरह से, मतलब थोड़ी सी साइकोलॉजी होती है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई कैसे कम पढ़ के काम निकल जाए. तो क्लैट में वो नहीं होगा. अगर हम क्लैट में भी वो करने लगेंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस. मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि अनलेस यू आर इंटरनली ड्रिवन कि मेरे को करके ही दिखाना है, मुझे करना ही है, दिस इज माई पैशन ऑफ गोइंग टू सम ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, सम ऑफ द वेरी गुड लॉ यूनिवर्सिटीज, देन यू नीड टू बी यू कुड से कंसिस्टेंट एंड यू कुड से श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है. देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, देर आर अ लॉट ऑफ वेज टू स्टडी 4 आवर्स अ डे एंड डू इट रियली प्रॉपरली, राइट. मैं मेरे बचपन में मैं ना जब स्कूल जाता था तो मेरे एक फ्रेंड है, तो उसकी मॉम मतलब, और हम लोग सब फैमिली फ्रेंड ही है, तो उनके घर भी जब भी जाते थे ना तो मतलब आई वॉज अ 90% टाइप ऑफ अ स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब 90% से प्लस.
and he was a 60% type of a student in school. So whenever I used to go to his house, his mom used to tell me ki beta ye sare din padhta hai, lekin na ye fir bhi iske pata nahi kyun number nahi aate, right? ये शायद ऐसे 9th या 10th standard की बात है कि इसके फिर भी नंबर नहीं आते, और ये सारे दिन मतलब किताब लेके देखो यहीं बैठा रहता है, अभी भी देखो यहीं बैठा है। तो मैंने उस आंटी को साइड में बोला, मैंने कहा आंटी आपने एक दिन इसको सुबह से फोन ले लो, ठीक है, फिर आपको देखना है कितनी देर उस रूम में बैठता है। तो आंटी ने ऐसा किया, आंटी ने नेक्स्ट डे उसका फोन ले लिया, तो घर पे झगड़ा हो गया आंटी से। तो वही आप 10 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, हाथ में आपके फोन है, डिस्ट्रैक्शन है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? तो इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी दिस क्वेश्चन कि कितने घंटे क्लैट के लिए पढ़ना चाहिए हमको। तो इट इज नेवर अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट द डेली टारगेट दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ इन द मॉर्निंग एंड देन मीट दोज डेली टारगेट्स, ठीक है? तो इसीलिए ट्राई टू बी लिटिल कंसिस्टेंट, मतलब कभी कभी एक आध दिन, जैसे मान लो महीने में आपके 2-4 दिन ऐसे आएंगे, है ना, हफ्ते में भी ऐसा एक दिन आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार आज तो मन नहीं कर रहा, दैट इज ओके, ठीक है? यहाँ पे कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं है कि रोज सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, ना? डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ, यू कुड से, इन एनी एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो अनलेस वो हमें इंटरनली डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा ना, हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग जनरली मतलब चीजों को बहुत कैजुअली लेते हैं जब तक हमारे सर पे नहीं आ जाती, लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि लाइक लास्ट के एग्जाम की छुट्टियों में भी करके अच्छा कर लोगे, इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आपको एकदम अक्टूबर नवंबर में होश आया ना कि भाई अब सोचते हैं कि अब अच्छा एकदम एग्जाम निकाल लेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसमें होता क्या है, कई बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो प्रेशराइज्ड कि इतना बैकलॉग कवर करना है, इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, क्या करें, क्या छोड़ें, कहां से स्टार्ट करें, समझ ही नहीं आता। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि मतलब इसमें क्या है कि अगर आप यहां चढ़ के यहां चढ़ के यहां चढ़ के यहां चढ़ के वापस भी नीचे गिर गए ना, तो अभी भी पूरा चढ़ने का टाइम है वापस, वहां पे कोई चढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है? हाँ, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, अब यार इतने बड़े तो हो ही गए हो कि आपको पता है कि जो चीज कर रहे हो गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। अगर आप ज्यादा टाइम पास भी करोगे किसी दिन, तो आपके मन में कुछ गिल्ट वाली फीलिंग तो रहती है, इट्स जस्ट दैट कि हम वो कोशिश करते हैं कि उसको कैसे कैसे साइडलाइन करें, है ना? ये कैसे डिसाइड करूं कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा लीव करना है, तो वो तो आपको देख के पता चलेगा आपको आता है या नहीं आता है, है ना? वो तो मतलब वही डिसीजन होता है, आता है तो करना है, नहीं आता तो नहीं करना है, राइट? बुक जरूरी है, वीडियोस से हो जाएगा, बुक्स नहीं नहीं वीडियोस से हो जाएगा। आपको कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्सेस से आप वो देख सकते हो, जैसे मान लो ऑनलाइन कंपेंडियम्स आते हैं, उनसे देख लो, है ना? कुछ कुछ मैथ्स वैथ्स की आप रिटन रिपीटेशन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो ले सकते हो, बुक्स आर एस अग्रवाल वगैरह आती है, छोटी छोटी सी गाइड्स आती है, है ना? अच्छी बुक्स है, वो ले सकते हो, लेकिन ऐसे बुक्स की खास जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन मॉक्स हमेशा पेन एंड पेपर करना। अगर आपको कभी किसी मॉक का पीडीएफ भी मिलता है ना, इवन इफ यू गेट अ पीडीएफ ऑफ अ पर्टिकुलर मॉक, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दैट पीडीएफ के साथ में कि अपना लेके एबीसीडी लिखने लग गए, नहीं, ऑलवेज गेट इट प्रिंटेड, ठीक है? उसको प्रिंट करवाना ही, मतलब डू नॉट डू ऑनलाइन टेस्ट, अनलेस वो टेस्ट होता ही ऑनलाइन हो तो बात अलग है, जैसे आप स्लैट दे रहे हो तो वो तो ऑनलाइन ही होता है, अदरवाइज गो फॉर ऑफलाइन, देखिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I follow your classes in GK today. Also, try to read newspaper. मतलब स्लैट में इतना न्यूज़पेपर का वो लोड नहीं है, बट फिर भी करो, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, ठीक है? MHCET is not online. MHCET तो ऑफलाइन होता है, as far as I understand. स्लैट इज ऑनलाइन, मतलब मुझे जितना पता है, आई थिंक, ठीक है, ऑनलाइन होता है, ओके, मतलब हो सकता है यार, आई एम नॉट श्योर, राइट? तो दिस इज हाउ एक सिंपल सा, एंड कीप थिंग सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट अननेसेसरीली कि भाई ऑल 5 सेक्शंस रोज करने का ट्राई कर रहे हो, है ना, एकदम ही इतना एम्बिशियस सा प्लान है, कुछ नहीं हो पाएगा फिर, है ना? मतलब रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, दिन में 2 सेक्शंस एट मैक्स, है ना? उसके बाद में अगले दिन बाकी के 2 सेक्शन, है ना? फिर अगले दिन जब और 2 सेक्शन करोगे तो वो 5वां जो बच गया तो उसको भी ऐड कर लो। तो ऐसे मतलब यू हैव टू प्लान इट इन अ वे विच इज मोर प्रैक्टिकल, है ना? ऐसे पागल नहीं होना बिना बात के, राइट? मॉक्स फॉर MHCET भी अनअकैडमी पे आएंगे, अ लॉट ऑफ मॉक्स विल बी गिवन, है ना? तो अभी आई थिंक इसी संडे तो चला गया, शायद अगले संडे हो सकता है एक मौका है, ओके? और एक ये भी वो बना के चलो, मतलब कि आपको ना, यू विल हैव टू काइंड ऑफ डू दिस आल्सो,
जैसे मान लो आपका इंग्लिश, एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे इंग्लिश सीआर, एलआर, करंट अफेयर्स एंड मैथ्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि है ना, सबके कुछ ना कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सबके कुछ ना कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि आपको करंट अफेयर्स पसंद है, या फिर आपको मान लो लीगल रीजनिंग पसंद है, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर वही वही करते रहते हैं ज्यादा, कि लीगल रीजनिंग पसंद है तो वही 50 बार कर लेंगे, ठीक है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा सीआर कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे। मैथ्स तो हर आदमी छोड़ता ही है, मतलब कितना भी बोल लो, 80% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स विल लीव मैथ्स फॉर द एंड, एंड देन यू विल सफर। फिर आप लोग सफर करोगे, क्योंकि मैथ यार कोई भी टॉपिक आप सोचो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टार्टिंग द प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी। आपने अगर प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट किया है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट, कि आप लोग सब कुछ कवर कर पाओ, है ना, सो दैट यू आर एबल टू कवर एवरीथिंग। आर्ट्स आर्ट्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंथ टेंथ स्टैंडर्ड की मैथ्स आती है इसमें। अगर आप 10th तक, तो सबने मैथ्स पढ़ी है, तो इट डजेंट मैटर कि आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब बहाने हैं, है ना। तो बहाने बनाना छोड़ो, लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। और आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कहीं से भी हो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, करनी तो पड़ेगी, है ना, वो चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो है ही। तो इसीलिए ट्राई टू बी वेरी, वी कुड से, जेन्युइन विद योर प्रिपरेशन। क्योंकि ये मैंने आई थिंक एक बार क्लास में पहले भी बोला था, कि आधी अधूरी प्रिपरेशन मत करो, या तो फिर पूरी छोड़ दो कि मजे ही कर लो फिर, है ना, कम से कम याद तो रहेगा कुछ की मजे किए थे, या फिर अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आधा मत करो कुछ भी। अगर आधा करोगे तो ना मजे हो पाएंगे ना प्रिपरेशन हो पाएगी, बीच में अटक जाएंगे फिर, राइट। तो या तो आपको अपनी पूरी मेहनत प्रिपरेशन की भी याद रहेगी आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम इज डन, या फिर आपको याद रहेगा कि यार मजे बड़े किए थे इस साल, है ना। आपको ये कभी याद नहीं रहेगा कि यार थोड़ा पढ़ रहे थे, फिर थोड़ी गिल्ट हो रही थी, फिर दोस्तों के साथ बाहर चले गए थे, फिर ये कर लिया था, फिर टीवी देख लेते, फिर रील देख ली थी, तो वो हर चीज गिल्ट में चल रही थी, पूरा साल गिल्ट में निकल गया। फिर अगले साल एक रेजोल्यूशन लेंगे कि इस साल क्लैट क्लियर कर लेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। दिस इज योर ईयर, टेक इट सीरियसली, है ना। दिस इज दैट टाइम ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स लाइफ, वेर इफ एट दिस पॉइंट इफ यू टेक थिंग्स सीरियसली फॉर अ ईयर, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ दैट वुड बी सॉर्टेड फॉर यू। ये सोच के देखो, है ना, ये ऐसा टाइम है जब हम थोड़े से समझदार भी होते हैं, लेकिन थोड़े ना समझ भी होते हैं। तो अगर वो हमारी समझदारी थोड़ी ना समझी के ऊपर आ जाए ना, तो वो बेटर रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग की वो ना समझी, क्योंकि ना समझी वाला पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि वो करने में तो मजा बहुत आता है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्लीज ट्राई टू, मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं यार, डिस्ट्रैक्शन ना आपकी आपकी लाइफ में हर एज में डिस्ट्रैक्शन होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मेरी लाइफ के अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वंस दे कीप ग्रोइंग अप, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन वुड आजकल तो मतलब 5-7 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, मतलब जैसे जैसे आपका दिमाग का लेवल बढ़ता रहता है, आपका डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होते रहते हैं। तो इट जस्ट दैट कि हाउ कैन यू इम्प्रूव, मतलब खुद से कैसे कर सकते हो, मतलब खुद को कितना कितना मना सकते हो, है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, क्वांट की क्लास तो स्टार्ट ही नहीं हुई। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, देखना पूजा मैम आई थिंक पढ़ा रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बाकी नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होता, होगी क्लास, आपने देखी नहीं होगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस देन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक आपको कई सारे क्वेश्चंस तो आते होंगे, इट्स रिवीजन क्विज। 2022 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था शेहान करुणा तिलका को, कौन सी कंट्री से? ऑफलाइन मास्टर को सोर्स सजेस्ट कर दो, मैं आपको ना खुद ही रिलीज कर दूंगा एक सीरीज, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो शेहान करुणा तिलका हु वन द फर्स्ट 2022 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इज फ्रॉम विच कंट्री? इट्स श्रीलंका, ठीक है, इट्स श्रीलंका। स्लैट में मॉक्स करने की जरूरत नहीं है, स्लैट में वैसे अनअकैडमी विल गिव यू मॉक्स, है ना, अनअकैडमी विल गिव यू मॉक्स, तो आप उससे वो कर सकते हो, क्योंकि वो तो ऑनलाइन होता है ना, तो उसमें ऑनलाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
Durgavati Tiger Reserve, which was notified recently, is located in which of the following states and territories? नहीं, ऑफलाइन मतलब सेंटर जाके नहीं, प्रिंट करा के घर पे बैठ के दो, प्रिंट कराओ और सिट इन योर हाउस फ्रॉम 2 to 4 एंड राइट दैट टेस्ट प्रॉपरली OMR पे. और हमेशा सिर्फ मॉक नहीं प्रिंट कराने, OMR पे देने हैं मॉक्स, क्योंकि OMR भरने में टाइम लगता है. एग्जाम में 5-1 मिनट लगते हैं कई बार OMR भरने में, वो छोटे छोटे सर्कल भरने पड़ते हैं 200 बार, मतलब 200 बार नहीं सॉरी 150 बार अगर आपको 150 क्वेश्चन आते हैं तो, मतलब पॉसिबिलिटी ये है. तो इसीलिए दैट टेक्स सम टाइम. ठीक है, तो ये MP में है. हाँ, OMR एक्चुअली हमेशा मॉक्स को OMR के साथ ही प्रैक्टिस करना, डोंट प्रैक्टिस इट विदाउट एन OMR. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40? अभी रिसेंटली इसको अनवील किया गया था. HTT-40 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था? अरे आई हैव अ फ्रेंड, आई एम नॉट इवन किडिंग, उसने पता है क्या किया था गलती से, जैसे OMR आती है ना, 1, 2, 3 और ऐसे फिर ABCD बना हुआ होता है ना सबके आगे, तो वॉट डिड शी डू वॉज एंड उसका क्लैट का नहीं था, मतलब आई रिमेंबर वेन वी वर इन स्कूल, जब हम लोग मतलब जैसे मैं क्लैट दे रहा था तो शी वॉज राइटिंग, उस टाइम ऑल इंडिया PMT बोलते थे, अभी नीट बोलते, तो उस टाइम ऑल इंडिया PMT बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट. तो उसने एम्स का एग्जाम अलग से होता था एंड शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब वो शी वेंट टू ऐसे इंडिया का जो मतलब 3rd or 4th बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, शी वेंट देयर एंड ऑल ऑफ अस वर थिंकिंग शी विल गो टू एम्स, क्योंकि एम्स इज लाइक द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन जब मेडिकल में जो मानते हो ना, तो उसमें एम्स इज लाइक द बेस्ट, एम्स दिल्ली जो है. तो उसने एम्स का एग्जाम दिया था, उसके पता नहीं कितने क्वेश्चन होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मान लो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसने पता नहीं क्या दिमाग में आई, उसने 14th क्वेश्चन से गलत मार्क करना शुरू कर दिया, मतलब बेसिकली 14th को उसने 15th पे मार्क कर दिया. ठीक है, और वो फिर पूरा ऐसे ऐसे मार्क करती चली गई, शी रियलाइज्ड इट ऑन द 100th क्वेश्चन व्हेन वो भर गई, एंड यू डोंट गेट द सेकंड थिंग, आपको सेकंड OMR नहीं मिलती. ठीक है, क्लैट में भी नहीं मिलेगी, किसी भी एग्जाम में आपको सेकंड OMR नहीं मिलती, क्योंकि OMR की एक सीरियल नंबर होता है जो लिख के ले जाते पहले. ठीक है, एंड शी न्यू कि हो गया, मतलब दिस इज अ मेजर यू कुड से एकदम जिसको बोलते हैं ना गलती कर दी बहुत बड़ी, एंड शी एक्चुअली गॉट माइनस में नंबर, उसको माइनस में नंबर आए, जबकि लुकिंग एट द क्वेश्चन शी थॉट कि यार मतलब देयर वाज अ चांस कि मेरा हो जाता. तो ये नहीं करना है, मतलब हमको वी हैव टू प्रैक्टिस विद OMR. ठीक है, तो HAL ने प्रोड्यूस किया है HTT-40. फीफा वर्ल्ड कप विमेन्स वाला होने वाला है इस साल, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप कॉर्ड? देखो OMR भरने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई लोग हर पैसेज के बाद भरते हैं, कई लोग हर सेक्शन के बाद भरते हैं. मेरा तो मानना है कि पैसेज के बाद भर देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. कई लोग हर क्वेश्चन के साथ साथ भी भरते रहते हैं, अपना अपना कंफर्ट जोन है. हर चीज ट्राई करके देखो, अभी तो आपके एग्जाम में टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेहनत करोगे ना तो एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो मतलब एक जनरल स्ट्रैटेजी है जो सबको काम आएगी, बट उसके हिसाब से लोग अपने अपने चेंजेस करते हैं स्ट्रैटेजी में, एज पर यू कुड से यू मे बी कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू फील कि नहीं सर ने तो बोला है कि 35 मिनट लगने चाहिए बट मुझे तो 30 ही लगते हैं, तो फिर आप 5 मिनट कहीं और दे दोगे. तो उसमें आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आगे पीछे करोगे, वो तभी कर पाओगे जब आप थोड़ी सी मेहनत करोगे. ठीक है, तजूनी इज दी मैस्कट ऑफ द 2023 फीफा वर्ल्ड कप. एशिया लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी? कहां पर इनॉग्रेट किया गया ये? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट एशिया का सबसे बड़ा है. ठीक है, पंजाब. तो हमें ना एक्चुअली मतलब आपकी गलती नहीं है, स्कूल में ना हमेशा पढ़ाई को थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव बनाया गया है हमारे लिए, है ना. पढ़ाई इज समथिंग जो हम एक लास्ट रिजॉर्ट में करते हैं कि यार कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई पे प्रेशर बहुत है ना. आज अगर मान लो मैं बचपन से खेलने गया था तो मेरे पे बचपन से किसी ने प्रेशर नहीं बनाया कि तुझे हर बॉल पे मतलब हर मैच में सेंचुरी मारनी है, वो किसी ने नहीं बोला. तो आई एंजॉयड दैट बिकॉज आई लव्ड इट. मैं क्रिकेट खेलने जाता था बचपन में तो मेरे को लगता था कि देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खेलना है ना, हो गए आउट, मतलब अपनी मर्जी से खेल रहे हैं. पढ़ाई में क्या है कि वो प्रेशर बहुत होता है घर वालों का, थोड़ा मतलब घर वालों का हो ना, वो कहीं ना कहीं से आता ही है.
कि मतलब तुम्हें अच्छा करना है, वो तो अच्छा कर रही है, वो तो अच्छा कर रहा है एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस, तो वो हमेशा ना कभी आदमी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा ही लगता है ना। लेकिन ये मतलब ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, तो आपके 7th स्टैंडर्ड में कितने नंबर आए होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 8th में कितने आए होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्लैट में क्या होता है कि मतलब दिस काइंड ऑफ मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर फॉर यू। जो बंदा 8th में 70% लाया था और जो बंदा 8th स्टैंडर्ड में 95% लाया था, उनकी लाइफ में आगे जाके क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। 70 और 95 में कोई खास डिफरेंस नहीं 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन क्लैट में तो बता सकता हूँ ना कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका नहीं हुआ वो बेकार करेगा, वो भी वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जिसका हो गया उसको तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ऑलरेडी, तो आप खुद को मोटिवेट आदमी खुद ही रख सकता है। विच स्टेट वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में। होस्ट ऑफ स्पेशल नेगोशिएशन राउंड ऑफ 3 of the 4 pillars ऑफ द इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क इसी महीने में। इलेवेंथ क्लास की मैथ्स डिफिकल्ट होती है वैसे, थोड़ी कंपैरेटिवली 11th क्लास की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है। मतलब इवन क्लासेस की पढ़ाई आसान होती है, ऑड क्लास की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है। 9th वाज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 10th एंड 11th इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 12th, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बैसेज बेस्ड आएंगे, तो हम लोग तीनों टाइप के कर रहे हैं, हम लोग मतलब MHCET स्लैट वाले भी कर रहे हैं और बैसेज बेस्ड भी करेंगे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी जनरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अंडर द PMEGP स्कीम इन दिस फिस्कल ईयर? ठीक है, तो इट वाज गोवा। एक मिनट, गोवा नहीं, जम्मू कश्मीर था इसका आंसर, मैंने सीधे दिया था क्या आपको? जम्मू कश्मीर होना चाहिए, मतलब अगर मैंने गलत दे दिया तो, नहीं बी दिया, ओके फाइन फाइन, मुझे लगा मैंने सीधे दिया। जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा जॉब जनरेट किया। ओके ओके, रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ ऑफ उनाकोटी वॉज एडेड टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया हुआ भी है कि उनाकोटी बहुत फेमस, वो शिवजी जहां रुके थे। एग्जैक्टली, जिसको नहीं पता उसको वापस बता दो, यहाँ की एक स्टोरी है। तो त्रिपुरा में एक जगह है उनाकोटी, उसको बोलते हैं इसलिए उनाकोटी है। तो उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 कम, 1 करोड़ माइनस 1। तो यहाँ पर शिवजी अपने, शिवजी प्लस उनके कुछ भक्त थे, तो इतने सारे लोग थे, कुछ कुल मिला के 1 करोड़ लोग। तो वो लोग कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो वो इस जगह पर रुके थे रात को। तो शिवजी ने कहा था कि सुबह युगुत से सब लोग टाइम से उठ के वापस वहीं से निकलेंगे। उन्होंने एक टाइम बताया होगा कि इस टाइम पे चलेंगे, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम 1 2 3 नहीं होता था, जो भी उन्होंने जिस तरह से बताया होगा कि वहां से चलेंगे, राइट? तो कोई भी नहीं उठा, नो बडी वोक अप, ओनली शिवजी वोक अप एट दैट टाइम। तो शिवजी को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि यार कोई भी नहीं उठा, तो शिवजी ने सबको श्राप दिया कि तुम सब पत्थर बन जाओगे। तो वहां पे अभी तक 1 करोड़ माइनस 1 है कि शिवजी तो चले गए थे वहां से, बाकी जो पीछे भक्त रह गए थे ना, वो सारे पत्थर बन गए थे पीछे। तो इसलिए इट्स बिकम अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐसा माना जाता है वहां पे। ये कॉन्क्रीट टॉपिक हमने 5 PM वाली क्लास में किया था एक दिन, है ना?
जनवरी में गया था क्या यार? पिछले कितने साल की न्यूज़ पढ़ लें, तुमने जनवरी फरवरी की पूरी पढ़ ली है? तो दिसंबर की और पढ़ लो। Which state and territory recently granted industry status to the tourism sector? ठीक है, so it's Assam. न्यू हेड ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये एक नई फील्ड है आजकल, पता है, लॉयर्स, अ लॉट ऑफ लॉयर्स मेक देयर करियर इन आर्बिट्रेशन। इट्स अ वेरी वेल पेइंग करियर, बहुत हाईली रिवॉर्डिंग करियर है ये। थोड़ा टाइम लगता है इसमें सेट होने में, लेकिन ना मतलब, एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, अगर आप इसमें अच्छे हो ना तो यू आर, यू कुड से, वैल्यूएबल इन द एंटायर वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में वैल्यूएबल हो फिर। नहीं, इट्स नॉट लाइक डिबेट्स, डिफरेंट है। इट्स लाइक कोर्ट ओनली, जस्ट आउट ऑफ कोर्ट, इनफॉर्मली कोर्ट की तरह। ठीक है, हेमंत गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर। यू कैन एक्चुअली बिकम एन आर्बिट्रेटर, मतलब आप जज, सॉरी, एडवोकेट के साथ साथ आर्बिट्रेटर भी बन सकते हो। वीर गार्जुन इज इन मेडन बायलेटरल एयर एक्साइज विच वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आर्बिट्रेशन में ऐसे होता है कि पार्टी डिसाइड करती है कि भाई हम डिसाइड करेंगे कौन हमारा डिस्प्यूट सेटल करेगा। तो जैसे मान लो कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, तो वो किसी ऐसे इंसान को रखते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मतलब जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत पैसा हो, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो उसको, है ना, जैसे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया कोई, तो दैट पर्सन वुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। तो ऐसे लोगों को रखते हैं, एंड देन उसको जो भी उसका फाइनली डिसीजन होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड, और फिर अवार्ड फाइनली किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके आप फाइनलाइज करवा सकते हो। ठीक है, तो जापान इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, जापान के बीच और इंडिया के बीच में। लीगल एडवाइस की तो जरूरत पड़ती है। आज अगर ये बंदा भी बैठेगा, मान लो कि यहाँ पे कोई सीए बैठा है और ये दो पार्टीज हैं, राइट, तो इन दो पार्टीज को लॉयर तो चाहिए ना आर्ग्यू करने के लिए। हाउ विल दे आर्ग्यू ऑन लॉ? दे कांट आर्ग्यू ऑन लॉ एट ऑल खुद से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पॉप पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, आर्बिट्रेशन का जो एक तरह से मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है और हमने किसी एक तीसरे बंदे को बोला है कि भाई यू आर गोइंग टू बी बिल्कुल से रिजॉल्विंग आर डिस्प्यूट, ठीक है, सो दैट इन इटसेल्फ बिकम्स एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। वो अपने आप में एक वो ट्रिब्यूनल बन जाता है, चाहे आप अपने घर पे बैठ के रिजॉल्व कर लो उसको। ठीक है, तो इट्स सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होता है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से। हाँ, बिना कोर्ट में गए, क्योंकि कोर्ट में सालों साल लग जाते हैं ना, तो लोग कोशिश करते हैं कि कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए। फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? फार्मर्स डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए लगता है? ठीक है, तो फार्मर्स डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23rd दिसंबर। ठीक व्हाट इज द एम ऑफ जन विश्वास बिल? जन विश्वास का क्या पॉइंट है? तो जन विश्वास का मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आया है वो। जन विश्वास बिल जो है वो बिजनेसेस की कंप्लायंसेस वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए आया है। इनको वैक इंडिया का पहला इंट्रा नेजल डोज, जो मतलब बेसिकली नाक से दिया जा सकता है, वो कौन सी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर करा है? इनको वैक एज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज और इंस्टीट्यूशन? इनको वैक हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक।
ठीक है, भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर करा है इनकोवैक। सीरम इंस्टीट्यूट इज डिफरेंट, सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक ने वो बनाया था ना कोवैक्सीन, ये इंडिया वाला कंपनी है ना, कोवैक्सीन बनाया था इसने। इस बार जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, हु वॉज द इंडियन कैप्टन फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप, इंडिया का कैप्टन कौन था हॉकी वर्ल्ड कप के? हाँ इंडियाज कैप्टन फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप वॉज हरमनप्रीत सिंह। ओके, हरमनप्रीत सिंह वॉज द इंडियन कैप्टन। S-400 कहां से आता है इंडिया पे? बहुत आसान क्वेश्चन है, कहां से हम लोग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं? देखिए, इट्स रशिया, रशिया से हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया में लेकर आते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक पैसेज बेस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन विच द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड नाउ। तो देर आर टोटली फोर लैंग्वेजेस इन विच द जजमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड नाउ अदर देन इंग्लिश। तो कौन सी लैंग्वेज इनमें से है जिसमें नहीं होने वाले है? सो इट्स नॉट तेलुगु, इट्स तमिल। जो इंडिया में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सिटीजन, किस किस को? तो यू कैन रजिस्टर हियर और आप ना फ्री लीगल एड ले सकते हो। तो पता है ये मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके घर में जैसे मान लो कोई होम मतलब मेड वगैरह होते हैं ना, तो मेड वगैरह नहीं कमा पाते 1 लाख रुपए तक, एटलीस्ट उनकी अकाउंटेड इनकम तो 1 लाख रुपए नहीं होती, राइट? तो अगर उनको कोई डिस्प्यूट हो ना, तो आप मतलब ऐसे उनको बता सकते हो कि ये मतलब दीज आर दी सर्विसेज दैट आर अवेलेबल टू देम। तो जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और अगर वो ट्रांसजेंडर है तो उसकी 2 लाख रुपए से कम है, वो लोग कर सकते हैं। इन विच Here did the law commission recommend कि इंडिया में पर मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जजेस होने चाहिए, 50 जजेस। सो इट वॉज इन 1987, ठीक है, 1987 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये बोला था। Which of the following texts were referred by the Supreme Court in the Sabarimala judgment to observe that ancient religious texts and custom में menstruating women को हमेशा polluting the surrounding type माना गया था, मतलब it was not considered something which was pure. So क्या refer किया गया था Supreme Court में उस time पर, although Supreme Court did not consider it. तो मनुस्मृति, मनुस्मृति is one of the फर्स्ट लीगल टेक्स्ट है ना जो हम इंडिया में देखते हैं, मतलब द फर्स्ट लीगल टेक्स्ट, तो उसमें ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड पोर्टल लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एक्चुअली 2021 है, एम्ड एट असिस्टिंग द जजेस इन लीगल रिसर्च, एक्चुअली 2022 है, 2021 याद नहीं आ रहा।
ठीक है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड सुपेस. क्या है सुपेस का फुल फॉर्म? एनीबडी, व्हाट इज सुपेस का फुल फॉर्म? तो इट्स सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंस इन कोर्ट. बताओ, सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, इन इंप्रूविंग कोर्ट्स एफिशिएंसी. ओके, यू वो पूरा सुप्रीम कोर्ट आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट का एसयू ले लिया है ना. सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी. According to the recent study, what is the annual percentage increase in the brightness of the night sky? Kya annual percentage raha hai in the last decade mein generally? Ek second dena mujhe. So, 10% has been the annual increase in brightness. Which of the following is not one of the effects of sky glow radiation or sky glow light pollution? So it is, it harms the retina of the eyes and can also cause permanent loss of eyesight. Okay, it harms the retina of the eyes and can also cause permanent loss of eyesight. December 2022 में एक लद्दाख में एक पर्टिकुलर जो कुछ से एरिया है वाइल्डलाइफ सेंचुरी में, वहां के 6 parts of that was reserved as a dark sky reserve. की मतलब यहाँ पर कोई जाला उजाला नहीं होगा. What is that place? So that is the Chang Thang Wildlife Sanctuary. Chang Thang Wildlife Sanctuary in Ladakh. The meeting of Convention on Migratory Species, which marked the adoption of guidelines to address the problem of sky glow light pollution in 2020, was held in which of the following Indian cities? कौन सी इंडियन सिटी में इसकी मीटिंग की गई थी 2020 में? So the meeting regarding this was held in Gandhinagar, ठीक है, the capital of Gujarat. Which space agency study last year revealed that LED lighting revolution throughout the world has exacerbated the light pollution problem? मतलब उससे pollution और ज़्यादा बढ़ गया है. It has made the matters worse. कौन सी particular space agency ने ये ढूंढा है? So it is the European Space Agency. ठीक है, ESA is the European Space Agency. चलो, अग्नि वॉरियर कौन सी कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और फोन चला गया, आई थिंक फोन्स में चला गया शायद. सो अग्नि वॉरियर होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में. ठीक है, इट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर.
कौन से स्टेट ने अभी 76% से रिजर्वेशन कर दिया था? ठीक है, तो इट वॉज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्राह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्स दैट डिड। इंडियन एयरफोर्स डिड इट। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने किया था एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ब्राह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल। इंडियन आर्मी हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर सोल्जर्स एट विच सिटी? फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर सोल्जर्स इन विच सिटी? सो इट इज इन अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर सोल्जर्स, 3D प्रिंटर्स होते हैं अलग से। ठीक है, तो वो अलग टाइप क्या, मतलब देयर लाइक एक्चुअल लाइक हाउसेस हाउसेस। न्यू जलपाईगुड़ी द जो वहां पर भी वंदे भारत एक तरह से फ्लैग की गई थी, कौन से स्टेट में? इट वाज आल्सो एक तरह से थ्रैश ना, और पत्थर पत्थर मार दिया था किसी ने बीच में। अभी मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि मतलब तो कहीं से फिर से अभी एक नई वंदे भारत चली है, तो वहां से जब लोग उतरे और बाद में देखा अंदर, तो ट्रेन की इतनी गंदी हालत थी कि किसी ने वहां पर कुछ गिरा दिया, किसी ने कुछ गिरा दिया, एंड मतलब एकदम फ्लोर गंदा हो रखा था उसका, चिप्स के पैकेट पड़े हैं। तो वही है, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एक्चुअली एट दिस पॉइंट इन टाइम डू नॉट डिजर्व। तो वेस्ट बंगाल में है जगह न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, स्टोन पेल्टिंग वाला यार वही है ना, मतलब वहां पर वेस्ट बंगाल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, वहां पर टीएमसी की गवर्नमेंट है, विच इज एन एकदम एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ना, जो बीजेपी के एकदम अगेंस्ट है। तो दे हैव पीपल हु डू ऑल दीज थिंग्स, वो करते हैं। मतलब आपको पता होगा जब जिस दिन वेस्ट बंगाल का ये लॉन्च हुआ था वंदे भारत, उस दिन ही मोदी जी की मॉम की डेथ हुई थी। तो ही वॉज सपोज टू फ्लैग ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द प्लेस, बट हिज मदर पास्ड अवे, सो ही हैड टू गो टू गुजरात, जहां भी मतलब उनकी वो थी लास्ट फाइनल जो राइड्स हुए थे वहां जाना पड़ा। तो उनकी फाइनल राइड्स करके ही एक्चुअली लॉन्च इट ऐसे क्या कहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, हाँ, ही वॉज गिविंग अ वर्चुअल स्पीच एग्जैक्टली। तो वहां पर जो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वहां पे भी आई थिंक शी डिड नॉट स्टैंड अप, और मतलब शी डिड शी गेव अ वेरी बैड एक्सप्रेशन टू ऑल ऑफ दैट। Which organization has got exempted by the Indian government for taking its approval for manufacturing, storage, use and transportation of solid propellant for rocket? तो मतलब सरकार के आपको परमिशन की जरूरत नहीं है सॉलिड प्रॉपलेंट के केस में। सो इट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। G20 वर्किंग ग्रुप सेक्रेटेरिएट कौन सा है, इसमें से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बोला गया है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स को बोला था, आप जो नहीं थे वो अभी भी सुन सकते हो, कि एक है ना अपनी नोटबुक में कहीं भी बीच में आगे पीछे जहां भी आपको लगता है G20 का पेज बना लो, क्योंकि इंडिया में ना G20 की कई सारी मीटिंग्स होगी इस साल। जैसे अभी एक उदयपुर में हो गई, एक बैंगलोर में हो गई, एक चंडीगढ़ में हो गई। अब जैसे G20 साइंस ग्रुप का सेक्रेटेरिएट है एक कॉलेज, तो वो क्या इजी रहेगा, एक जगह सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो ठीक है, तो ISC बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इज दी प्लेस।
फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दिस डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन, कि मतलब हम अपने हिसाब से क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे. अब so that state is Tamil Nadu. ठीक है, Tamil Nadu is that state. Tungareshwar Wildlife Sanctuary. ये करिए लिख किया क्या अभी हमने क्वेश्चन? नहीं, अभी किया क्या? नहीं, okay. Tungareshwar Wildlife Sanctuary. ठीक है, महाराष्ट्र में. अब स्ट्रेप ए करके एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जहां पर उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कंट्रीज में कुछ डेथ हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वी टॉकिंग अबाउट? So we're talking about the United Kingdom, the UK. UK में strep A की वजह से death हुई है. Bay of Bengal के ऊपर एक recently cyclone आया था, which crossed the coast of the southern states in India. What was that cyclone called? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मंडोस. गश्त ए इरशाद सबको आना चाहिए. तो कौन सी कंट्री ने अभी अबॉलिश करी है अपनी मोरालिटी पुलिस आफ्टर सो मच प्रोटेस्ट, मतलब नॉट जस्ट इन दिस कंट्री बट इन द एंटायर वर्ल्ड? कौन सी कंट्री ने अभी अबॉलिश करी है मोरालिटी पुलिस? सो मोरालिटी पुलिस हैज बीन अबॉलिश्ड बाय ईरान. ठीक है, ईरान ने अबॉलिश करी है मोरालिटी पुलिस. एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए $250 million का फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक ने दिया है अभी. कौन सी कंट्री को? सो इट इज बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश को दिया है. चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन. National Statistical Commission's chairperson. Who has been appointed as chairperson of the National Statistical Commission? It is Rajiv Lakshman Karandikar. अभी समेरू करके एक वोल्केनो न्यूज में था. विच कंट्री इज इट लोकेटेड इन? समेरू वोल्केनो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? आपकी 9:15 वाली क्लास कहाँ होती है? यही लगी होती है, हमने आज की भी है. इंडोनेशिया, समेरू वोल्केनो इंडोनेशिया. आप मेरा ग्रुप फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, वहां पर मैं लिंक भेज देता हूँ, शेड्यूल भी भेज देता हूँ. इट्स कॉल्ड मालपानीज क्लैट फिट. ओ सॉरी, हमने कर लिया, वेट.
व्हाट इज ट्रेंड ऑफ एनुअल रेट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन 2010 और 2021 में कंपेयर करें, तो क्या हो रहा है? एचआईवी इन्फेक्शन डिक्लाइन हो रहा है, बढ़ रहा है? नो चेंज या डेटा ही नहीं है? मतलब नए से लग रहे हैं, ये तो बहुत बार किए हैं यार हमने। डिक्लाइनिंग, ठीक है, एड्स इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, एड्स के जो केसेस हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स अ कल्चरल इवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का कल्चरल इवेंट है वो, काफी फेमस है ये, दिसंबर में होता है हर साल। मांग देशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बीन हैंडेड ओवर बाय इंडिया टू विच कंट्री? नींद आ रही है, 2 मिनट और बचे हैं बस, ठीक है, इसके बाद जाके सो जाना सब। सो भूटान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई विल आस्क यू 4 मोर क्वेश्चंस। होम मिनिस्ट्री एंड विच स्टेट हैज साइंड द ऑपरेशन सॉरी साइंड सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट विद ZUF आर्म्ड ग्रुप? कौन से स्टेट में है ये? ठीक है, सो इट इज इन स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। ZUF इज ज़िलियांग ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ये यहीं का मणिपुर का ये ग्रुप है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप इन मणिपुर। मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, हमने दो वो टॉपिक पढ़े थे, नागा कॉर्ड वाला और एक और टॉपिक पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, टिपरा वाला, एग्जैक्टली टिपरा वाला पढ़ा था। तो ये मतलब उसी टाइप की इंसर्जेंसी है मणिपुर में। नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस्ड अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? न्यू स्कीम अनाउंस अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ द इंडियन रेलवे, इट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर वेयर विच सिटी? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, ठीक है, सो इट इज उडुपी इन कर्नाटका। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, न्यू प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंडा कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने अभी? ठीक है, सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। सो लेट्स शो द लीडर बोर्ड नाउ। तो वी हैव उज़ुमाकी, अनिंदिता, आकृति, नम्रता, स्नेहा, अक्षत, हितेन, कनिका, भूमि एंड स्नेहा, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल सीन। कल का शेड्यूल में सुबह भेज दूंगा, सेम ही होगा, 5 बजे 5 o'clock से जो नॉर्मली होता है हमारा वही शेड्यूल होगा, ठीक है।
चलो भाई मिलते हैं वापस से कल. थैंक यू सो मच, सी यू अगेन गाइस. ट्राई टू रिवाइज थिंग्स, है ना, खुद से भी कोशिश करो, हम तो करते रहेंगे, बट यू गाइस आल्सो ट्राई. लाइक मॉक शुड बी ऑलरेडी टेक अ प्रिंट आउट ऑफ कंपेंडियम. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंपेंडियम तो नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, कंपेंडियम तो स्टडी मटेरियल है ना, तो वो तो आप दे दो जैसे भी, लेकिन ये कर सकते हो.